आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान बटाला के गांधी नगर कैंप में पहुंचे। सारे मोहल्ला निवासियों ने उन्हों का स्वागत किया। पिछले 40-50 साल तो चलदिया आ रही मुश्किलों संबंधी मांग पत्र दिता। उन्होंने कहा कि मोहल्ला निवासियों का निर्णय है कि जो साड़ियां मंगा मंजूर करके हस्ताक्षर करेगा, असी आने वाले चुनाव विच उन्हां दे नाल खड़ांगे, चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों ना होवे। अज जो गांधी कैंप दे विच एक आम पार्टी का जलसा हो रहा और बस्ती दे विच देखा जाए तो हमेशा ही जिन्हें भी पोलिटिक्स अधिकारी आए ना, हाँ साड़ी बस्ती गांधी कैंप में पता टायर स्टप नहीं समझा लोगों जिन्हें भी सियासत अधिकारी है, असं उन्होंने अपना मोहताज उन्होंने सिर दर समझ के जरा पूरी गांधी कैंप की बस्ती की डिवेलपमेंट करेगा उन्होंने असं एक कोहनूर का हीरा समझे। वो देखा जाए कि 50 साल तो गांधी कैंप के किसी सियासी अधिकारी ने कोई भी डिवेलपमेंट नहीं कराई। अज रात है अगर दिन से इतने आते चलना देख लोग अस्सी के बच्चे कि लैटरिन हमेशा गालियों से तैरती लंघ नजर आती है और मेन सीवर इसे इसे स्टेट इसे सर्कल उत्ते हजार जिन्हों में सीएम पीएम कई ऐसे सियासी अधिकारी है ना, इतों तक विधायक भी किन्ने आए हैं और जिन्होंने हमेशा ही लॉलीपॉप दिता इस बस्ती वाले कोई भी सुधार नहीं किया। मेन शिवर ला लो पूरे तह तक उबले हुए हैं, 4 इंच थले पै पाए ना, 40-50 साल तो पेड़ इतों तक कि गांधी कैंप के निवासियों इन्होंने हमेशा धक्का किया है। कच्चे मकान के अलावा कभी वाले बच्चों सिक्त याद करवा देंगे कभी टाटे स्कूल गांधी कैंप चुके हैं लेकिन कुछ नहीं होता। अज इतने जैसा आम पार्टी का होया इतने डिस्पेंसरी ला के कई बार इतों तक सीएम ने कहा ही कि इतने 25 मंजिया का बिल मंजूर किया जाएगा ता कि बच्चों की इतों देख रेख और इतने इलाज हो सके। तो मैं इस मैसेज पहुंचाने का पूरे देश को कि समसीहा पंजाब सरदार नवजोत सिंह वो बटाले शहर में ना हो गांधी कैंप क्योंकि पूरे बटाले कई मौत हो जाए इलाज को लैके ये साडा मसीह अगस्त नूं रखण पुन्निया ते जिहड़ा त्यौहार है बाबा बटाला साहब की धरती दे उत्ते मनाया जांदा सी उत्ते बहुत भारी सियासी कॉन्फ्रेंस कर रहे उस सिलसिले लोगों को प्रेरित करन ते दिल्ली दीआं उपलब्धियां गिणाउण ते पंजाब सरकार दीआं वादा खिलाफियां गिणाउण लई असीं अज माझे दा प्रोग्राम रखिया सी। 7 प्रोग्राम रखे सी, आखिरी प्रोग्राम सी। तुसीं आप देख रहे हो कि 10 बजे ने रात दे ते अज इत्थे हज़ारां लोग अपने आप आए हुए ने किन्ने गांधी कैंप दा किन्ने इस इलाके दा इस महल्ले दा की हाल है। सीवरेज का इतने बुरा हाल है, इतने हैजे मौत हो गई, इतने कहते टीके ओवरडोज में इतने मौत हुई ने, सड़कों का बुरा हाल है। ये पंजाब सरकार की कर रही है, कुछ नहीं कर रही, पहाड़ों पर जाके जन्मदिन मना रहे हैं अपने चेहत्या के। सो इस करके असी ये पंजाब सरकार वादा खिलाफिया ने इन्होंने विधानसभा भी लेके जावे सैशन कल तो। पार्टी का वर्कर कल की कर रहा देखो कई बार सहमति सहमति चलती रही है पर पार्टी का एक डिसिप्लिन होंगे। मैं कह रहा सब बेनती करना पार्टी तोड़ने वाली गल्ला ना करो, कृपा करके लोगों ने खून पसीने ने पार्टी बनाई है इन्हें तोड़न की हरकत ना करो। मेरे ने कभी लड़ाई है वह तो कहें जी मैं लाया क्यों है वो तो कुर्सी भालते हैं हूँ पार्टी जिम्मेदारियां बदलदिया रही लाया भी तो उन्हें नहीं। सो इस करके मैं कहना हजे भी वापस आ जाओ कट्ठे मिलकर काम करिए अपना आपस लड़न की बजाय आप बीजेपी कांग्रेस अकाली की उम्मीद है कि असि आम आदमी पार्टी ही खड़ेगी क्योंकि जिस तरह पार्टी टूटती जा रही टूटती नहीं नहीं कोई इस तरह की गल नहीं पार्टियां जो थोड़े बहुत चलती रही है। 2019 तक असं पूरे तकड़े होकर निकलेंगे माझे के आए हैं 2 दिन माझे च रहेंगे बाबा बकाला से असं रैली करा उस तो बाद सितंबर के 10 बड़िया कॉन्फ्रेंसा करके लोगों को बाहर कढ़ांगे ताकि 2019 की तैयारी कर सकें।